सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 9वां, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने कल टॉपिक पढ़ा था अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। क्लियर है? तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, आज करेंगे इसके क्वेश्चन प्रश्नावली 9.2 के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिए, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन में एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास में दो बिंदु है ए x1 y1 और बिंदु है बी x2 y2। आगे पास में यदि ए और बी को बिंदु पी xy अगर लेमड़ा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, किसमें लेमड़ा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखिए, दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इसको लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक, तो किस में विभाजित कर रहा है? लेमड़ा अनुपात 1, यानी कि m1 क्या है? लेमड़ा, और m2 क्या दे दिया? 1। आगे बात, तो सूत्र वही आपके पास में, बिंदु mx2 यानी m1 x2। आगे बात है, यानी लेमड़ा x2 प्लस m2 x1 यानी कि x1 बट्टा m1 प्लस m2 यानी कि लेमड़ा प्लस 1। और इसी प्रकार लेमड़ा y2 प्लस y1 बट्टा लेमड़ा प्लस 1। आगे बात, यानी कि अगर कोई दो बिंदु दे रखे हैं आपको a और b, तो a और b को लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु p के निर्देशांक क्या होंगे? ये होंगे। ये चीज़ हमारे पास में कहाँ काम आएगी? ये चीज़ देखिए, एक तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा कि दो बिंदु दे रखे हैं a और b, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु p के निर्देशांक। आगे बात, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि दो बिंदु दे रखे हैं a और b, इसको बिंदु p किस अनुपात में विभाजित करता है? आगे बात, जैसे मैं आपसे कहूँ कि दो बिंदु दे दिए a x1 y1 और b x2 y2। आगे बात, और आपको बिंदु दे दिए p के निर्देशांक के x और y, ये बिंदु p a और b को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये चीज पूछ लेगा। एक प्रश्न बनेगा कि a और b दे रखा है, आपको पूछेगा कि a और b को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। और एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि दो बिंदु दे रखे हैं a और b, तो बिंदु a और b को बिंदु p के उस टाइम में आपको निर्देशांक दे रखे होंगे, p के वो निर्देशांक दे देंगे और पूछेंगे कि a और b को ये बिंदु p किस अनुपात में विभाजित करेगा। उस टाइम हम मान के चलेंगे कि a और b को बिंदु p लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो फिर बिंदु p के निर्देशांक, अगर कोई भी बिंदु है उसको लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करेगा, उसके निर्देशांक क्या आएंगे? ये आएंगे। अब आपको बिंदु p दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, तो यहाँ से ये निर्देशांक इसके बराबर, ये निर्देशांक इसके बराबर, इससे आपके पास में किसका मान आ जाएगा? लेमड़ा का मान आ जाएगा। लेमड़ा का मान आएगा तो आपके पास में वह अनुपात आ जाएगा कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, या तो दो बिंदु दे रखे होंगे और उन बिंदुओं को m1 अनुपात m2 यानी m1 और m2 के मान आपको दे रखे होंगे, तो वो पूछेगा कि a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो वो तो आप सीधा सूत्र से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2, तो ऐसा आप क्या कर लोगे? एक पूछेगा कि दो बिंदु दे रखे हैं उसको बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा, उस टाइम में ये चीज़ काम आएगी, हम मानेंगे कि लेमड़ा अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। आगे बात समझ, तो अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन। तो 9.2 का क्वेश्चन देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए दे रखा है आपको 3, 5, बी दे रखा है आपको 7, 9, कि ये दो बिंदु दे रखे हैं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है। क्या करता है? अंत विभाजित। आगे बात कह रहा है कि दो बिंदुओं, ये दे रखे हैं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो ये तो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हम मान के चलेंगे, माना ए 3, 5 तथा बी 7, 9 को 2:3 के अनुपात में
अंते विभाजित करने वाला बिंदु P एक्स वाई है। अब आपको क्या करना है कि अंते विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने, यानी कि वो बिंदु P आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए, अते अंते विभाजन सूत्र से, आगे बात में अंते विभाजन सूत्र क्या है, x बराबर क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y बराबर क्या आता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात में अब यहाँ x1 क्या है, x2 क्या है, तो यहाँ x1 बराबर 3, x2 बराबर 7, x2 बराबर क्या है 7, y1 बराबर 5, y2 बराबर क्या है 9। बिंदु A क्या है, x1 y1, ये x2 y2, और m1 बराबर क्या है 2 और m2 बराबर क्या है 3। क्लियर, सारे मान आपके पास में पड़े हैं, x1 x2 y1 y2 m1 m2, तो ये सारे मान इनमें रखने हैं और x और y के मान आपको निकालने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा, m1 x2, m1 x2, m1 क्या 2, x2 क्या 7, 2 इंटू 7 प्लस m2 x1, m2 क्या 3, x2 क्या है आपके पास, x1 क्या है 3, तो 3 इंटू 3 बट्टा, अब देखिए m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो यहाँ से x बराबर 7 इंटू 2 14 प्लस 3 इंटू 3 9 बट्टा 5, 14 9 23, 23 बट्टा 5, तो x बराबर क्या आ गया 23 बट्टा 5, और y बराबर क्या आएगा, m1 y2, m1 2 इंटू y2 9 प्लस m2 y1, m2 3 इंटू y1, y1 5 बट्टा 2 प्लस 3, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 5 तेरी 15 बट्टा 5, 33 बट्टा 5। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई, एक्स क्या 23 बट्टा 5, वाई क्या 33 बट्टा 5, 23 बट्टा 5, 33 बट्टा 5। आगे बात में, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि लैम्ब्डा अनुपात 1 कैसे मानेंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन दूसरा तीसरा नहीं है, चौथा पांचवा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फिर वापस से अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिंदुओं 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। आ गया ना क्वेश्चन, इस टाइप का आ गया ना, या तो प्रश्न पूछता है कि बिंदुओं इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं कि ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करना है। अब आपको वो अनुपात ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2, तो वो अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान के चलेंगे आंसर, माना बिंदु ए, ये एक 15 5 को ए मान ले, बिंदु ए तथा बिंदु बी 9 20
को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु, उसको क्या मानेंगे हम, P, वो बिंदु P तो है जो कि इनको क्या कर रहा है, विभाजित करता है, बिंदु P 11-15। माना बिंदु A तथा बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। आगे बात, लैम्ब्डा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है। आगे बात, अतः अब देखिए, अब हमने मान लिया कि A और B को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसको ये बिंदु P लैम्ब्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर दो बिंदुओं A और B को लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है बिंदु P, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा, हाँ m1 x2 यानी कि लैम्ब्डा इंटू 5, m1 x2 सॉरी x2 ये m1 x2 प्लस m2 x1 यानी कि 15 × 1 बट्टा m1 प्लस m2। आगे बात सुन, और y निर्देशांक क्या होगा, हाँ m1 y2 लैम्ब्डा इंटू 20 प्लस m2 y1 5 × 1 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 9 लैम्ब्डा प्लस 15 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1, और यहाँ से ये 20 लैम्ब्डा प्लस 5 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1। अरे भाई, तो A और B को लैम्ब्डा अनुपात 1 में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये आ गए, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ से, 9 लैम्ब्डा प्लस 15 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1 और 20 लैम्ब्डा प्लस 5 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1। P के निर्देशांक, अतः P के निर्देशांक देख लीजिए, हमने माना कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P लैम्ब्डा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है। तो A और B को लैम्ब्डा अनुपात 1 में अंत विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे। अब बिंदु P तो आपको दे रखा है, दिया है बिंदु P क्या है, 11-15, यानी बिंदु P का x निर्देशांक क्या है, 11, बिंदु P का y निर्देशांक क्या है, 15। तो यहां से जब हमने माना कि लैम्ब्डा अनुपात 1 में ये बिंदु विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में बिंदु P के निर्देशांक क्या है, ये आए। तो ये निर्देशांक x निर्देशांक देखिए, ये भी क्या बिंदु P है, हमें ज्ञात क्या करना है, लैम्ब्डा अनुपात 1, तो बिंदु P का x निर्देशांक 11 यहां से ये, तो ये निर्देशांक इसके बराबर होगा। आगे बात समझ, अब आगे क्या लिखोगे, दिया है P के निर्देशांक 11-15। आगे बात, अतः तुलना करने पर दोनों ही चीज, यही क्या है बिंदु P का निर्देशांक है, ये भी क्या है बिंदु P का ही निर्देशांक है, हमें लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ, तो दोनों की तुलना करने पर अतः हाँ 9 लैम्ब्डा प्लस 15 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 11। आगे बात समझ, और तो यहां से देखिए इसको उधर भेज दीजिए, देर इंप्लाइज 9 लैम्ब्डा प्लस 15 बराबर 11 लैम्ब्डा प्लस 11, तो इसको उधर भेजेंगे तो 9 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 लैम्ब्डा इसको उधर भेज दीजिए बराबर 15 माइनस 11 4, तो यहाँ से लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2। लैम्ब्डा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2। अगर वाई निर्देशांक को भी बराबर रख के देख लीजिए, तो वाई निर्देशांक किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा, तो भी लैम्ब्डा का मान 2 ही आएगा, चेक करके देख लीजिए आप, तो 20 लैम्ब्डा प्लस 15 बट्टा लैम्ब्डा प्लस 1 बराबर 15। तो यहाँ से ये 20 लैम्ब्डा प्लस 15 बराबर क्या आ जाएगा, 15 लैम्ब्डा प्लस 15, तो 15 लैम्ब्डा को इधर लेके आएंगे तो 20 माइनस 15 5 लैम्ब्डा, और 15 को उधर भेजेंगे, यहाँ से 15 को उधर भेजेंगे सॉरी यहाँ पे ये क्या 5 है, क्या है 5, तो यहाँ से 5 को उधर भेजेंगे तो 15 माइनस 5 10, तो यहाँ से देखिए लैम्ब्डा बराबर 10/5 2, तो इस कंडीशन में भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। आगे बात समझे, तो लैम्ब्डा का मान आपके पास में क्या आ गया, 2 आ गया, अतः
बिंदु पी पी ए तथा बी को 2:1 में अंते विभाजित करता है। तो बिंदु पी यानी ए और बी दे रखा है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। ये कैसे ज्ञात करना है आपको कि ये दे रखा, तो आप पहले मान के चलोगे कि ए और बी को बिंदु पी लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब आपको पता है कि ए और बी को लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालेंगे। देखिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 आगे बात समझ। तो इससे बिंदु यानी कि ए और बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यहां से x आ जाएगा, y आएगा। अब ये बिंदु कौन सा है, ये वाला तो बिंदु है क्योंकि बिंदु P तो क्या कर रहा है, A और B को लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से P के निर्देशांक ये है और दिया हुआ है P के निर्देशांक ये, तो इससे आप तुलना कर लीजिए, या तो X निर्देशांक इससे तुलना कर लोगे तो आपके पास में लैम्ब्डा आ जाएगा, Y निर्देशांक भी इससे तुलना करोगे तो सेम ही चीज आएगी। तो एक चीज की आपको तुलना कर लेनी है, एक्स का एक्स के साथ में कर लो चाहे वाई का वाई के साथ में कर लो। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ ले कि ए और बी को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो पहले आप मान के चलोगे लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब अगर लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या आएंगे इस कंडीशन में, ये आएंगे। अब बिंदु पी के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं 11, 15, तो ये एक्स निर्देशांक 11 है और वाई निर्देशांक 15 है, तो दोनों में से किसी एक चीज को बराबर कर लो, आपके पास में लैम्ब्डा का मान आ जाएगा। लैम्ब्डा का मान आपको यहां पे रखना है, क्लियर है? तो इससे आपके पास में अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्ब्डा का मान क्या है, 2:1। अगर देखिए अगर कोई पर्सन में जैसे आपके पास में लैम्ब्डा का मान क्या आ गया 3/4 आ गया, जैसे लैम्ब्डा का मान क्या आ गया 3/4, तो आप फिर अनुपात कैसे निकालोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 3/4 अनुपात 1, आगे बात समझ में, ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जैसे आपके पास में आ गया लैम्ब्डा का मान क्या आया 3/4, तो आप क्या लैम्ब्डा अनुपात 1 का मतलब क्या है, लैम्ब्डा/1, इसी को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज ऐसे लिखोगे कि 3/4/1, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, आगे बात है। तो ये चीज क्या आ गई m1/m2, यानी कि ये लैम्ब्डा/1 क्या है, m1/m2 ही तो है, यानी m1/m2 क्या है, लैम्ब्डा/1, लैम्ब्डा का मान आया 3/4, तो 3/4/1, तो 4 नीचे आएगा 3/4, अब ये चीज क्या आ गई m1/m2, यानी कि ये अनुपात क्या आएगा 3:4 आएगा, क्या आएगा 3:4 आएगा, क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे लैम्ब्डा का मान 1/2 आ गया, तो यहाँ से फिर अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, या कहने का मतलब इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो 1/2/1, तो ये क्या हो गया 1/2, ये कि 1/2 क्या है m1/m2 यानी m1:2, आगे बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो आगे इससे और भी क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे। तो अनुपात दो टाइप से पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाएंगे, या तो सीधा पूछ लेगा कि दो बिंदुओं को m1/m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या फिर आपको पूछ लेगा कि दो बिंदु दे रखे हैं, आपको बिंदु दे देगा कि ये बिंदु P जिसके निर्देशांक आपको दे रखे होंगे, पूछ लेगा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में वो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। फिर लैम्ब्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है तो उस कंडीशन में उस बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, और वही बिंदु क्या होगा जो कि आपको बिंदु P दे रखा है, तो उसमें x निर्देशांक का x के साथ में तुलना कर लो या y की y के साथ में तुलना कर लो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं सीधे, ए दे रखा है आपको 5-2 और बी आपको दे रखा है 1/2-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो आंसर दिया है ए 5-2, आगे बात सुने, बिंदु बी तो 2×1 = -3/2, ये -1/2 क्या है, -1/2 या -3/2, 4 और m1/m2 ये आपको दे रखा है 7:9, ज्ञात क्या करना है, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो
अतः ए तथा बी को एम वन अनुपात एम टू में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु या करने वाला बिंदु माना क्या है पी एक्स वाई है। आगे बात सुन, अब देखिए बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु पी एक्स वाई है, अतः एक्स बराबर क्या हो जाएगा एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन बट्टा एम वन माइनस एम टू। बाह्य विभाजन में सूत्र में क्या आता है प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और y बराबर क्या आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा m1 माइनस m2। अब सारी चीजें आपको दे रखी है, यहां x1 आपको दे रखा है, x1 क्या है 5, y1 क्या है माइनस 2, x2 क्या है माइनस 3 बट्टा 2, y2 क्या है 4, M1 क्या है 7, M2 क्या है 9, सारी चीजें दे रखी है तो आप ज्ञात कर लोगे। अतः X बराबर M1 X2, M1 X2 7 इंटू माइनस 3 बटा 2 माइनस M2 X1, M2 X1 9 इंटू 5 बट्टा एम वन माइनस एम टू 7 माइनस 9। आगे बात समझ, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, हाँ 7 3 21 माइनस का 21 बट्टा 2 माइनस 9 5 45 बट्टा 7 माइनस 2 माइनस का 2। आगे बात समझ, तो यहाँ से लेस पे लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 21 माइनस 45 इंटू 2 90 बट्टा 2 बट्टा माइनस 2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 21 माइनस 90 बट्टा ये दो नीचे आ जाएगा तो माइनस 2 इंटू 2 4। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, 90 तो कितना आ जाएगा माइनस का 111 बट्टा माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 111 बट्टा 4, तो x बराबर क्या आ गया 111 बट्टा 4। और y भी ज्ञात कर लीजिए, y बराबर एम वन वाई टू, एम वन वाई टू 7 इंटू 4 माइनस एम टू वाई वन, एम टू वाई वन 9 इंटू माइनस 2 बट्टा एम वन माइनस एम टू 7 माइनस 2, तो 7 चौक 28, माइनस 12 का माइनस 1 प्लस हो जाएगा 9 2 18 बट्टा माइनस 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 28 और 18 46 बट्टा माइनस 2, तो 23 दो 46 यानी कि माइनस का 23। आगे बात सुन, तो y का मान क्या गया माइनस का 23 और x का मान क्या गया 111 बटा 4। अतः P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 111 बटा 4 कोमा माइनस 23। तो A और B को 7 अनुपात 9 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे 111 बटा 4 माइनस का 23। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, जैसे 111 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 111 बटा 4 को 27 चौके 7 चौके 108, तो 27 108 3 11 27 सही 3 बटा 4, 111 को आप क्या लिख सकते हो 27 सही 3 बटा 4। आगे बात सुन, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो बिंदु P क्या हो जाएगा 27 सही 3 बटा 4 कोमा माइनस 23। 111 बटा 4 भी सही है और ऐसे लिखो ये भी क्या है सही है। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है।
बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं ए 1-3 और बी 3-9। क्या करना है आपको कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित। प्रश्न कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है कौन? मूल बिंदु। आपको सिद्ध करना है कि मूल बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंत विभाजित करता है। आगे बात सुन तो देखिए आंसर। माना ए 1-3 तथा बी 3-9 को 1:3 में अंते विभाजित करने वाला बिंदु पी एक्स वाई है। आगे बात सुन क्या है? पी एक्स वाई है। आगे बात अब देखिए अते x बराबर क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से? हाँ m1 x2 1 × -3 सीधा कर लेते हैं प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 3 × 1 बट्टा m1 + m2 1 + 3 तो 1 × -3 - 3 प्लस 3 × 1 3/4 ये क्या गया 0/4 तो क्या आ रहा है 0। आगे बात समझ। और y बराबर क्या आएगा? हाँ m1 y2 यानी कि 1 × 9 प्लस m1 y2 आ गया m2 y1 3 × -3 m1 + m2 तो 9 × 1 9 माइनस 3 × 3 9 4 0/9 4। अतः पी के निर्देशांक क्या आएंगे? 0 0। आगे ना बात समझ क्या आ गया 0 0। इसका मतलब क्या है कि मूल बिंदु जो है 0 0 वो ए और बी को 1:3 में अंत विभाजित करता है। अतः मूल बिंदु 0 0 क्या होता है? अभी मूल बिंदु ही होता है। अतः मूल बिंदु 0 0 ए तथा बी को 1:3 में अंत विभाजित करता है। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। ये क्या हो गया? पहला पार्ट। अब आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न? आगे पूछ रहा है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी को 1:3 में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक वो भी आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो पहला पार्ट हो गया, सिद्ध कर दिया हमने कि मूल बिंदु क्या कर रहा है? अंत विभाजित कर रहा है 1:3 में ए और बी को। अब दूसरा, माना ए तथा बी को 1:3 में बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु पी एक्स वाई है। आगे बात सुन अतः एक्स बराबर हाँ बाह्य विभाजन करने वाला बिंदु तो m1 x2 1 × -3 m1 x2 - अब देखिए बाह्य विभाजन करता है तो चिन्ह क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस तो m1 x2 - m2 x1 3 × 1 क्या है? 3 × 1 बट्टा m1 - m2 1 - 3 तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? -3 - 3 बट्टा 1 - 3 - 2 तो x बराबर -3 - 3 - 6 माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया? 3। आगे बात समझ। और y बराबर क्या आ जाएगा? हाँ m1 y2 1 × 9 माइनस m2 y1 3 × -3 बट्टा 1 - 3 तो y बराबर क्या आ जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 बट्टा माइनस 2 तो y बराबर क्या आ जाएगा? 9 × 9 = 18 बट्टा माइनस 2 y बराबर -9।
आगे बात समझ। तो एक अनुपात तीन में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तीन माइनस नौ। तो A और B को एक अनुपात तीन में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु क्या है, मूल बिंदु, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। हमने सिद्ध कर दिया कि मूल बिंदु A और B को एक अनुपात तीन में अंतर विभाजित करता है। A और B को एक अनुपात तीन में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ये रहे बिंदु P, बिंदु P 3-9। ये क्या कर रहा है, बिंदु A और B को एक अनुपात तीन में बाह्य विभाजित कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।